ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 16 है। और सबसे पहले मैं आपको जो मैंने अभी करंट अफेयर पढ़ाई है, जरा उस पर बेस्ड क्वेश्चन आयोग ने किस टाइप के पूछे हैं, जरा आप इसको देखो। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कराया है, ठीक है। उसका जो अभी 2030 तक जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर है, उसको कितने परसेंट बढ़ाना है, तो 30%, अभी 27% है, 27.7% से बढ़ाकर 27। ये भी अब देखिए आज का जो हम लेक्चर और डिस्कस करेंगे, उससे देखो क्वेश्चन कैसा पूछा आयोग ने, ये क्वेश्चन पूछा है। हम आज टूरिज्म से रिलेटेड जो है देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म कितने परसेंट जीडीपी में, कितने हिमाचल प्रदेश की कंट्रीब्यूट करता है। तो देखो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, देखो ऐसा तो नहीं कि भाई वो किसी ऐसा कि वो केवल इकोनॉमिक सर्वे से ही सारे क्वेश्चन भर देगा, तो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ कर चले जाओगे तो आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन आएंगे। अब देखो बूंद बूंद कर करके घड़ा भरता है, तो अगर आप ये भी छोड़ दोगे वो भी छोड़ दोगे, अब देखिए मैंने तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए मैंने ये कराया था, ये आ गया क्वेश्चन, पीसीएस का क्वेश्चन है ये, जो भी 2024 में पीसीएस हुआ था जून में आयोग का, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अभी आपको पुरानी वाली स्लाइड में कहा है। तो मतलब ऐसा जो छोड़ के चले गए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक सर्वे से। देखिए ये भी मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया है, ठीक है। और ये देखिए टू आज जो भी टूरिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको टूरिज्म से रिलेटेड, और ये 2023 में, आप समझ लो कैसे उसने आयोग ने क्वेश्चन फ्रेम करे हैं। तो अभी हम देखेंगे और उसके बाद आप सबके इनके जो आंसर है, इसका तो आंसर आप दे दोगे लास्ट में भी दे दोगे, इसका आंसर हो सकता आपको देना चाहिए क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया है आपको, और इसका भी आंसर आपको देना चाहिए, ये भी मैं करा चुका हूँ आपको, और इसका आंसर अभी नहीं दोगे, आज की स्लाइड पढ़ने के बाद हम इसका आंसर दे दोगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022। अब नाम सुनने से ऐसे पता लगता है कि भाई पेपर हो रहा 2024 में और हम 2022 की ये जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग क्यों करें। देखिए उसका जवाब ये है कि ये 16 जनवरी 2024 को रिलीज की, तो ये पुरानी नहीं है, डेट भले से यहाँ पर पुरानी है लेकिन इसको जनवरी 16 जनवरी 2024 मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स ने रिलीज किया है। तो आप समझ गए करंट अफेयर है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो कि भाई ये करंट अफेयर तो इतनी पुरानी, मैं नहीं करके जाऊंगा, मत करके जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये रिलीज किया गया, ठीक है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश की क्या पोजीशन थी। देखिए हिमाचल प्रदेश जो बी कैटेगरी में, इसमें कैटेगरी वाइज ए बी कैटेगरी में इस टाइप से, तो बी कैटेगरी में उनको रखा गया है, जो जिनकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़, ऐसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है उनको रखा गया है बी कैटेगरी स्टेट में। तो बी कैटेगरी स्टेट में हिमाचल प्रदेश बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में आता है, आप समझ गए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा, उसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं करेगा वो, भी सीधा स्टेटमेंट ऐसा कॉपी पेस्ट करेगा, नीचे एमसीक्यू फ्रेम कर देगा, बस पूछ लेगा आपसे। सेरिकल्चर की मैं बात करते हैं कि सेरिकल्चर, देखिए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सिल्क का होता है, सिल्क, और 35% जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका बिलासपुर में होता है, तो आपको ये ऐसी फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। और ये देखो मैथ नहीं है कोई कि भाई मैं आपको ये समझाऊं, ये प्लस वी का हो फॉर्मूला, ए माइनस वी का फॉर्मूला लगाओ, फिर यहाँ ये लगेगा वो लगेगा, ये मैथ नहीं है, इसमें रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है कोई, तो आपको बस पता होनी चाहिए इंफॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर मंडी आता है, तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आता है, और फिर हमीरपुर आता है। तो पहले नंबर पर बताना चाहिए भाई सबसे ज्यादा जो सिल्क का प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर होता है। नेक्स्ट, अब ये टूरिज्म से रिलेटेड, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो टूरिज्म है, जो टूरिज्म है वो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी जीडीपी है, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी जीडीपी है उसका 7% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, आप समझ रहे हो, 7% हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और 14.2% ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ
हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का टोटल एम्प्लॉयमेंट में 14.4%, सीधा क्वेश्चन स्टेटमेंट उठाएगा और सीधा रख देगा। अगर आप कहोगे ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए, बस गई गाड़ी वहीं पर हो गया क्वेश्चन खराब। तो ये सारी चीजें फैक्चुअल आपको करते जानी पड़ेगी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ कहाँ पर एयरपोर्ट है, पता होना चाहिए भाई। शिमला में एयरपोर्ट है, शिमला एयरपोर्ट, कुल्लू एयरपोर्ट, सॉरी कुल्लू एयरपोर्ट, कांगड़ा एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट बनने की तैयारी हो रही है मंडी में, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई अभी नया प्रोजेक्ट और नया एयरपोर्ट बनने के लिए तैयारी हो रही है, कहाँ पर हो रही है? आपको पता होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट का नाम कि भाई वो जो है मंडी में ये बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन पढ़कर आप क्या इसका जवाब दे सकते हो? ये वैसे यहाँ पर जो डेटा है वो पुराना है, तो डेटा काफी पुराना है, मतलब क्वेश्चन काफी पुराना है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7% पहले ये था, तो मतलब पता नहीं क्या डेटा था उस टाइम, उसके हिसाब से मैंने, बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे, और मतलब ज्यादा भी पुराना नहीं है। तो 7% इसको कट कर दो भैया, यहाँ पर कर दो। हिमाचल प्रदेश कितना कंट्रीब्यूट करता है? 7%। ठीक है, तो एक ऑप्शन इस टाइप से आपको दे दिया जाएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं। अब जरा जो क्वेश्चन पीसीएस में 2024 में पूछा गया था, मैंने कराया था करंट अफेयर के अंदर, तो अलग से इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ाया था मैंने, करंट अफेयर के अंदर ही इंक्लूड कर लिया था मैंने, तो उसी के अंदर ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा था। तो अब यहाँ पर ये डेटा दे रखा है कि ये यहाँ पर इंडियन जो है जो हिमाचल प्रदेश को विजिट किया है जिन्होंने, और फॉरनर जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को विजिट किया है, डेट दे रखी है सामने। तो अगर आप देख रहे हो तो देखो 2020 में कितने इंडियंस आए, इतने लैक इंडियंस आए, लेकिन फॉरनर के बारे में देखो 0.43 लैक। उसके बाद में 2000, क्योंकि वो पैंडेमिक शुरू हो गया था 2021 में, मतलब क्लाइमेट पे चल रहा था पैंडेमिक बहुत ही कम। उसके बाद में 2021 में थोड़े से, मतलब यहाँ पर 2000 कहाँ गया, ये 2020 की बात होगी, 2021 की बात होगी, और 2022 में थोड़े से बढ़ गए, 2022 में थोड़े से, ये जो था मैं डेट ठीक कर देता हूँ, ये 2020 की है, 2021 से 2022 इसमें थोड़े से फॉरनर जो है बढ़ गए, यहाँ पर इतने इलाका है। 2023 दिसंबर तक का डेटा था ये, तो इसमें जो फॉरनर बढ़े हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, ठीक है आप समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन छोड़ के जाइए तो फिर क्या फायदा है उसको। देखिए डिसेंडिंग असेंडिंग ऑरेंज ऐसे शब्द बना दिए, इतने सारे स्टेटमेंट बना दिए, देख तो शादी डर लगता है, तो डर तो लगेगा ही ना। अगर जिनको ये टेबल पता है, जिनको पता है एक आंकड़ा करके गए होंगे, और ये थोड़े ना जिन्होंने गैस वर्क लगाया होगा, अच्छा भाई यहाँ तो, यहाँ तो वो कर ही आया होगा जिनको, अदरवाइज तो फिर बेड़ा ही गर्क हो गया होगा जिनका, मतलब फिर पीसीएस अगली बार लिखो। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर 19 नेशनल हाईवे हैं जिनकी जो लेंथ है 2,576। तो ये भी फैक्चुअल है, लेकिन इतना मुझे लगता नहीं कि इस पाएगा, और कुछ कह नहीं सकते है देखो, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आप जो है इस पूरी और जो जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ये तो मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में कराया, तो आपको इसका आंसर जरूर देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर दे पाओगे, पीसीएस का 2024 का क्वेश्चन है ये, मैंने कराया था, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने उसको ठीक किया एग्जाम, कितने लोगों ने ठीक नहीं किया। और ये भी कराया था, पहला वाला क्वेश्चन भी कराया था मैंने, रखा भी था उसके अंदर। तो ये अपना हम करंट अफेयर का जो पार्ट है इसको यहीं समाप्त करते हैं। मैं देखो छोटी छोटी चीजें वो इकोनॉमिक सर्वे सारा कवर कर लूंगा, सेंसस सारा कवर करा दूंगा करंट अफेयर में, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है उसको प्रॉपरली पढ़ते जाना है। तो ये मैं अपना करंट अफेयर का जो लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं हम नहीं करंट अफेयर में।